अब आप स्कूल जाते हैं? जाते हैं। हाँ तो फिर ये काम भी इसमें कैसे करते हैं? तो दोस्तों अभी हमने लोगों से पूछा तो ये लोग कह रहे हैं कि मनसा देवी मंदिर बंद हो चुका है आरती के बाद, तो अभी इस टाइम तो लोग मनसा देवी मंदिर जा नहीं सकते। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सुबह जैसे उठे नहा के सबसे पहले मनसा देवी का दर्शन करें। तब तक के लिए दोस्तों घूमते इधर उधर। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख भी लग रही है। तो हमारे बाबू है ये। बाबू आपका नाम क्या है? अजय। अजय, तो बाबू का नाम अजय है और ये अजय हैं भी, और ये आप मेहनत से हम लोगों को अभी ये चना जोर गरम मसाला खिला रहे हैं। ये इसे क्या कहते हैं बाबू? चना दाल है। ये चना दाल है। खाओ जवान खाओ, किसके मुंह में दांत नहीं वो भी खाओ। बूढ़ा खाओ, दाल खाओ, जिसके मुंह में दांत नहीं वो भी खाओ। और दो ये क्या है? दे रहा हूँ किलो, तो दे रहा हूँ बाबू। इसमें प्याज, टमाटर, नींबू, मिर्च और दाल से मिला के ये और ये मसाला भी है, ये सब मिला के जो बाबू बनाता है और यहाँ के लोगों को खिलाता है। तो बाबू स्कूल जाते हैं? जाते हैं। हाँ तो फिर ये काम भी इसमें कैसे कर लेते हैं आप? अभी छुट्टी पड़ी है इसलिए खाली बैठे हैं। अच्छा, अभी छुट्टी पड़ी है इसलिए खाली बैठे हैं। तो आप खाली समय में कुछ काम ही कर लेते हैं आप? अच्छा, तो हमारे जो बाबू हैं खाली समय में कुछ काम भी कर लेते हैं और अपनी पढ़ाई भी करते हैं। तो क्या बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है जो बाबू ने बनाया है? हाँ, तो ये लोग बता रहे हैं कि बाबू ने जो बाबू के हाथ में काफ़ी कमाल है, उन्होंने एक नंबर बनाया है। तो चलिए अब हमारी ये हमारे लिए बन रहा है बाबू, थोड़ा हमें बढ़ा के डाल देना बाबू हमारे लिए। अच्छा, ये 20 रुपए का है? अच्छा बाबू, तो अगर आप लोग हरिद्वार आए और ये बाबू देखे तो बाबू से आप लोग ये चना मसाला जरूर खाएं। चना दाल, तो ये है हमारे बाबू के पार्टनर लोग। तो दोस्तों अभी ठंडी हमें लगने लगी है, तो अब धीरे धीरे अपने जैकेट निकाल जैकेट पहन लेते हैं। तुम ले लो जैकेट अभी नहीं लगेगी, और कंबल वम्बल ही हम लोग लाए ताकि रात को हमें सोना तो है नहीं। पार्टनर लग रहा क्या? पार्टनर को जड्डा लगवा दिया हम लोग बैठ के। दोस्तों काफी ठंड हो रही है और क्योंकि अंदर कुछ पहना नहीं है तो जल्दी से अपना जैकेट पहन लेते हैं और अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं। ठंड तो मुझे भी लग रही है, देखना क्या रात कैसे गुजरेगी। पौड़ी घूम रहे हैं और अब ये इतना शुद्ध पानी देख के हमारा मन डोल रहा है कि हम भी रात को गंगा में डुबकी लगा ही लें। और भी देखिए हमारे दोस्त भी काफ़ी ये लोग उत्सुक हैं नहाने के लिए, चलिए मिलवाते हैं। तो क्या आप लोग रात को गंगा में डुबकी लगाने को तैयार हैं? ये लोग कह रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर पानी डुबकी मारने वाले हैं और ठंड इतनी है कि देख सकते हैं कि हर कोई जैकेट में आ गया है। देखते हैं क्या होता है। लोगों को पूरा हर की पैड़ी का जो है दृश्य दिखाना चाहता हूं कि आप लोग पूरा दृश्य देख लें कि यहां पे कैसे क्या क्या है। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं ये गंगा जी की दोनों धाराएं कहां से विभाजित होती हैं उसे खोजने के लिए। तो चलिए देखते हैं कहां से ये छोटी धारा और बड़ी धारा शुरू होती है। आइए दोस्तों, तो लोग देख सकते हैं कि हम लोग हर की पेड़ी में ब्रह्मकुंड से आगे आ चुके हैं और इधर काफ़ी सारे ढाबे हैं और पार्किंग लगी हुई है। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं जहाँ से ये छोटी धारा की शुरुआत होता है, हम लोग वो पॉइंट खोज रहे हैं लेकिन वो पॉइंट लोग भी खोज नहीं पा रहे हैं। देखते हैं खोज पाते हैं कि नहीं, बढ़ते हैं आगे। और हाँ पार्टनर, ये अभी हमारे जो बच्चे लोग हमारे साथ, हम अपने साथ कुछ बच्चे भी लेके आए थे, तो अभी ये बच्चे हमारे ये लेके आए हैं। खुले हैं खुले यार, तो ले देते हैं।
तो हमने बच्चों को भी खिलौने दिला दिए हैं और बच्चे खिलौने पा के काफी खुश हैं और अपनी अपनी पिपेरियां बजा रहे हैं।